महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट है उनको इस चीज़ का अभी अंदाजा हो चुका है कि लगातार अगर वो परमवीर सिंह के साथ में इसी तरह पंगा लेते रहे और उनके साथ में ऐसे ही उलझते रहे तो आने वाले टाइम पे जो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट है उनको वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। बाय द वे वो पहले ही पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन उनको फिर भी डर है कि आने वाले टाइम पे अभी एक मंत्री को उनकी परमवीर सिंह की वजह से कुर्सी गंवानी पड़ी है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो और बड़े बड़े मंत्रियों को परमवीर सिंह की वजह से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि स्टार्टिंग से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि परमवीर सिंह को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। पहले तो उनके ऊपर 3 केस जो कि परमवीर सिंह बोल रहे हैं उनके ऊपर फाल्स केस लगाए गए हैं, साथ में ही एक SC ST का केस भी लगाया गया है जिसके थ्रू पूरी तरह से कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द परमवीर सिंह को अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि परमवीर सिंह को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया और उसके पीछे का रीजन था कि हर बार जो है मुंबई हाईकोर्ट उनके डेट को एक्सटेंड कर देती थी कि हम अभी जो है परमवीर सिंह को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, हर बार जो है एक्सटेंड कर दिया जाता था और आज तक का डेट मिला था कि आज तक जो है मुंबई सॉरी CID जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकती परमवीर सिंह को। लेकिन आज फिर से सुनवाई हुई इस केस पर और वहाँ पर SS शिंदे जो कि जस्टिस हैं उन्होंने इस केस पर सुनवाई की। उन्होंने सुनवाई करना स्टार्ट ही किया था लेकिन उससे पहले ही जो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के द्वारा जो एडवोकेट थे उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि हम जो है परमवीर सिंह को अरेस्ट नहीं करेंगे। उनके द्वारा पहले ही घुटने टेक दिए गए उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट द्वारा और उन्होंने सीधे सीधे बोला कि हम जो है परमवीर सिंह को अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन परमवीर सिंह को भी हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। यानी कि अभी ये डेट जो है उनकी तरफ से बोल दिया गया कि हम जो है 9 जून तक परमवीर सिंह को अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन परमवीर सिंह को भी हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। और साथ में ही जो परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उनके द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई है कि CBI को ये जांच सौंप दी जाए, CID से हटा के इसको जो है सेंट्रल एजेंसी को दे दी जाए, तो वो चीज़ उनको रोकनी पड़ेगी। उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि परमवीर सिंह जो है वो सीधा सीधा बोले सुप्रीम कोर्ट में कि वो नहीं चाहते कि CBI इस केस की छानबीन करे। तो मतलब एक तरीके से उनको बोला गया है कि CBI इस केस में नहीं आना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जानबूझ के यही कोशिश की जा रही है कि इस केस में कहीं से भी CBI ना एंट्री करे, क्योंकि आप सबको पता है कि पहली बार जब CBI ने एंट्री किया तभी उनकी होम मिनिस्ट्री का मतलब होम मिनिस्टर जो थे अनिल देशमुख उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर इस केस में CID एंटर करती है तो CID अगर केस की पूरी छानबीन करेगी और पता चला कि ये जो 3 केस हैं वो झूठे निकले, अगर परमवीर सिंह ऊपर जो 3 केस लगाए गए हैं अगर वो फाल्स केस निकला या जो SC ST Act लगाया गया है वो फाल्स निकला, तो सीधी सीधी ये किस पे जाएगा, होम मिनिस्ट्री के ऊपर जाएगा, मतलब जो अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर हैं दिलीप पाटिल उनके ऊपर पूरा का पूरा केस मंडराएगा। यानी कि उनकी कुर्सी पर भी खतरा आ जाएगा कि आखिरकार कैसे इनके द्वारा इतना बड़ा फाल्स एलिगेशन वो भी परमवीर सिंह के ऊपर लगाया गया, क्या जानबूझ के इनके द्वारा और इनकी गवर्नमेंट के द्वारा जानबूझ के परमवीर सिंह को फंसाने की कोशिश की गई। मतलब कि अगर CBI इस केस में इंटर करती है तो एक और मिनिस्टर के पास में एक और मिनिस्टर जो है वो पूरी तरह से फंस जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से अभी नया गेम प्लान किया गया है और उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया है कि हम जो है परमवीर सिंह को 9 जून तक अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में बोलें कि वो जो है CBI की इंक्वायरी नहीं चाहते। अब देखते हैं इसके बाद परमवीर सिंह का क्या एक्शन होता है और परमवीर सिंह इस पर क्या कदम उठाते हैं वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। आपका क्या ओपिनियन है आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।